कविता के लिए ताला बना मुसीबत, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए उंगली में लगी चोट, इससे आसान तो थी चोरी। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के घर में पड़ी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल सिर्फ घर के कप्तान ही कर सकते हैं। कविता कौशिक की इच्छा कोल्ड ड्रिंक पीने की हुई तो उन्होंने ताला खोलकर फ्रिजर से अपने लिए कोल्ड ड्रिंक निकाली। ताला आसानी से खुल तो गया, लेकिन बंद करते समय कविता के लिए ये ताला मुसीबत का सबब बन गया। कविता कोशिश करती रही लेकिन ताला बंद नहीं हुआ। ताले की चाबी तक मुड़ गई लेकिन ताला लॉक नहीं हुआ, जिस पर अली गोनी ने कविता की मदद की और ताला बंद कर चाबी उन्हें सौंप दी। चाबी टेढ़ी होने की वजह से उसे सीधा करते वक्त कविता की उंगली में चोट लगती भी दिखाई दी। वैसे आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जितनी मेहनत कविता को करनी पड़ी, उतनी मेहनत शायद उन चोरों को नहीं करनी पड़ी थी जिन्होंने बिना ताला खोले ही चोरी कर इस फ्रीजर में से कोल्ड ड्रिंक चुराई थी। और दिलचस्प बात यह है कि जिसने फ्रीजर में से चोरी की थी उसी ने कविता को ताला बंद करने में मदद भी की है। हालांकि कविता अभी तक इस बात से अनजान है कि बिग बॉस के घर में चोरी भी हुई है, और शायद इसीलिए बिग बॉस ने इशारा भी किया था अनुशासनहीनता वाले टास्क में, लेकिन कहीं ना कहीं वो टास्क पूरा नहीं हो पाया और कविता कौशिक इस बात से अब तक अनजान है कि घर में दो मर्तबा कोल्ड ड्रिंक्स की चोरी की जा चुकी है। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।